नमस्ते, मैं नवलक्ष्मी मस्का है। आज हम लोग जानेंगे किचन के कुछ काले सच। मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगी क्योंकि किचन के टिप्स मैं खुद ही अपलोड करती हूँ। मैं भी बहुत सारे मेरे ऐसे किचन के टिप्स हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज उनके मैं काले सच के बारे में बताऊंगी। काले सच बहुत ज्यादा काला नहीं है, थोड़ा गोरा भी है। तो ये किचन टिप्स के मैं कुछ काले सच ये बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी टिप्स बताते हैं, मैं खुद भी बताती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं बताती, मैं बहुत सारे टिप्स ऐसे बताई हूँ, लेकिन जो टिप्स हम लोग बताते हैं वो टिप्स पूरी तरह से सच्चाई नहीं रहती। कुछ उसमें नहीं, मतलब कि सच्चाई नहीं रहती और कुछ सच्चाई जो है वो रहती है। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो एक तो जेन्युइन भी रहती है और कभी कभी जो रहता है वो कभी ना, मतलब कि उस चीज को फॉलो नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। तो इस तरह से कुछ किचन टिप्स के काले सच हैं। लेकिन किचन टिप्स देखना ना भूलिए, क्योंकि किचन के टिप्स ऐसे टिप्स हैं जो मतलब कि आपके बहुत सारे काम आने वाले टिप्स रहते हैं। कुछ कुछ टिप्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो कुछ कुछ टिप्स को आप फॉलो करें, लेकिन कुछ कुछ टिप्स को आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं कि किसका कोई काला सच है, मतलब जो दिखाते हैं हम लोग वो पूरी तरह से सच नहीं रहती। जैसे कि हम लोग अगर मैं बता रही हूँ कि नींबू और नमक से जो ये है ना बर्तन है, जो भगवान के बर्तन रहते हैं, तो वो निकलता है, मतलब कि उससे जो काला दाग धब्बे जो भी रहते हैं तांबे के बर्तन, तो उसमें निकलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं निकलती। मैं आप लोगों को वो प्रूफ के साथ में बताऊंगी कि ये कैसे नहीं निकलती। निकलती है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलती। जिस तरह से हम पीताम्बरी से घसते हैं और जो मतलब कि जो चमक आती है, जो निकलता है, उस तरह से नहीं निकलती। तो मैं आपको वो करके बता रही हूँ कि कैसे वो नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरी तरह से नहीं निकलती। निकलती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकलती, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलती। तो ये कुछ काले सच है किचन टिप्स के। मैं पूरी तरह से काले नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उसके भी बहुत सारे ऐसे जेन्युइन टिप्स हैं जो बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। या फिर बहुत सारे, अगर आपके पास में सपोज पीताम्बरी नहीं है तो आप इससे तो निकाल सकते हैं, मतलब कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास में वो चीजें नहीं है तो आप उसके बदले इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ किचन टिप्स आपको पहले ही बताई हूँ और अभी भी बता रही हूँ, और मेरे आगे की भी टिप्स रहेंगे, तो कभी देखना ना भूलिए। पूरी तरह से जेन्युइन नहीं रहती, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं रहती। इस तरह आप कुछ किचन टिप्स को फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये जेन्युइन भी रहती है और कुछ कुछ चीजें नहीं रहती, उसके बारे में भी मैं बता रही हूँ, मैं छिपा नहीं रही हूँ। और मैंने नेक्स्ट एक टिप्स बताई थी आपको, देखिए इस तरह से चीनी के डब्बे में आप लौंग डाल के रखें, तो ये जेन्युइन है। ये पुराने जमाने में दादी नानी बोला भी करते थे कि भाई अगर आप चीनी में लौंग डाल के रखेंगे तो आपकी चीनी जो है उसमें कभी भी चींटी नहीं आएंगी। तो ये जेन्युइन है, मतलब कुछ कुछ चीजें मैं बोल नहीं रही हूँ कि भाई कुछ चीजें जेन्युइन नहीं है, कुछ चीजें है, लेकिन कुछ चीजें इतने स्ट्रांग है, मतलब जैसे अब ये लौंग डालने की वजह से इसमें चींटी भटकती भी नहीं और आती भी नहीं, तो ये पूरी तरह से जेन्युइन है। तो कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छा है किचन की टिप्स के, और इन्हें देखते भी रहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें वो पूरी तरह से नहीं निकलती। तो ये है किचन टिप्स के कुछ काले सच। जैसे मैंने और भी आगे आपको टिप्स बताई हूँ कि भाई नमक क्या होती है, अक्सर बरसात के दिनों में मॉइस्चर हो जाती है, मतलब कि वो हल्का सा गीला हो जाता है, लेकिन उसमें अगर आप चावल डालें तो वो बिल्कुल भी गीला नहीं होंगे, मतलब मॉइस्चर नहीं होंगे, नरम नहीं होगी आपकी नमक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत पहले नमक में जो चावल है वो डाल के रखी थी, तो आप देख सकते हैं हमारी नमक जो है बिल्कुल अच्छा है। देखिए, मतलब कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल भी इसमें कोई भी गीलापना नहीं है। तो ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है आपकी किचन टिप्स का, मतलब किचन टिप्स जेन्युइन है। तो कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो रहती है वो पूरी तरह से नहीं निकलती, लेकिन निकलती जरूर है। तो इस तरह से आप किचन टिप्स को, मैं ये नहीं बोल रही कि आप फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो करें, उन्हें देखें। मेरी भी बहुत सारे ऐसे किचन टिप्स हैं जो मैंने बताई हूँ मेरी वीडियोस में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।